गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। इसमें हमने फोर्थ लेसन अपना एमएस पेंट तक हम कर चुके हैं। इसमें सेकंड यूनिट टेस्ट तक फिफ्थ लेसन हमने एल्गोरिथम्स भी अपने स्टार्ट किया था इसमें हमने, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग से इसको करते हैं। फिफ्थ चैप्टर है आपका एल्गोरिथम। पेज नंबर है आपका 59। सो ओपन योर पेज नंबर 59। A sequence of steps followed to solve a specific problem is called an algorithm. Algorithm क्या होता है आपका, कि किसी भी जो भी आप अपना डेली लाइफ में काम करते हैं, किसी भी तरीके से जो भी आप काम करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या कोई काम करना हो अपना, तो जिस जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप अपनी समस्या है आपकी या कोई प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप काम करते हैं, एक सिक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। तो यहाँ देखिए, वी फॉलो एल्गोरिथम्स इन आवर डे टू डे लाइव्स। अ रेसिपी यूज टू कुक फूड इज ऑल्सो एन एल्गोरिथम। फॉलोइंग इज एन एल्गोरिथम फॉर रीडिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी बुक। अब यहाँ पे देखिए कि एल्गोरिथम हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। किस तरीके से, अगर आप कि आपकी मम्मा जैसे आपके लिए कोई खाना बनाती है, आपके लिए कोई डिश बनाती है, तो उस डिश की एक रेसिपी होती है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा सामान एक ही बार कढ़ाई में डाल दिया जाए या कुकर में डाल दिया जाए वो बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए, कोई डिश बनाने के लिए एक प्रॉपर उसकी रेसिपी होती है, और स्टेप बाय स्टेप करके ही हमें वो अपनी रेसिपी को कम्प्लीट हमें करना होता है। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। अगर आप किसी भी स्टोरी बुक से, कहानियों की किताब से, अगर आप कोई स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ बुक देखी दूर से ही और आपने स्टोरी आपको समझ में आ गई या आपने पढ़ ली, ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई भी स्टोरी बुक से आप कोई स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, आपने दिमाग में सोचा कि मैं ये वाली स्टोरी पढ़ता हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेट द बुक। जो भी या आप कोई स्टोरी बुक है या कोई आपकी सब्जेक्ट की बुक है या कोई अदर्स बुक्स हैं, तो आप बुक को लेंगे, ठीक है। पहले आपने क्या किया, बुक को लिया। आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चित्र में एक बच्ची है, एक लड़की है, जिसने पहले एक बुक ली है, उसके बाद उसने क्या किया, ओपन द बुक। तो आप भी ऐसे करते हैं, फिर आप क्या करेंगे, बुक को ओपन करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। जो भी आपने स्टोरी चूज़ करी है, आपने उसको ओपन किया, फिर आपने स्टोरी को अपना क्या करना स्टार्ट किया, पढ़ना उसको स्टार्ट कर दिया, रीड द स्टोरी, ठीक है। जब आप अपने स्टोरी आपने कंप्लीट कर दी, पढ़ लिया आपने, तो फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे बुक को, यानी कि बुक को आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और उसी प्लेस में उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एक प्रोसेस हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, तो इसी प्रोसेस, यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप आप जो काम कर रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पर अब रूल्स क्या होते हैं आपका एल्गोरिथम लिखने के लिए, यहाँ देखिए क्या नियम है आपके। यहाँ देखिए, एल्गोरिथम ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ड स्टार्ट और बिगिन। जब भी कोई एल्गोरिथम आपने लिखना है, तो उसके लिए आप स्टार्ट और बिगिन आप क्या करेंगे, वर्ड में ही आप क्या करेंगे, लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड में क्या करेंगे आप, दूसरा रूल क्या है इसका, ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम डिस्क्राइब सिंगल एक्शन। हर स्टेप जो आपका एल्गोरिथम का, आपको उसको क्या करना है, डिस्क्राइब भी आपने उसको करना है। नेक्स्ट है आपका, एल्गोरिथम स्टेप्स आर रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज। आप एल्गोरिथम अगर आप लिख रहे हैं, तो जो उसके स्टेप्स हैं वो आपने एक बहुत ही सिंपल भाषा में उसको आपने लिखना है। एल्गोरिथम स्टेप्स आर रिटन इन द ऑर्डर इन विच दे हैव टू बी परफॉर्म। अगर आप कोई भी एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं, तो आपने उसको जो उसके स्टेप्स हैं उसको बिल्कुल एक के बाद एक आपने लिखना है, आगे पीछे उसको नहीं करना है, बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है आपने, एक के बाद एक लिखेंगे। ईच स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम हैज़ अ सीरियल नंबर। तो हर एल्गोरिथम का क्या होगा, एक सीरियल नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3
4, 5, 6 एल्गोरिथम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आपके बाद आपने क्या करना है, एल्गोरिथम ऑलवेज एंड्स विद वर्ड फिनिश और एंड। और लास्ट जैसे आपने शुरू में क्या था, स्टार्ट और बिगिन लिखा था आपने अपने एल्गोरिथम को लिखना, तो लास्ट में भी आपने जो उसको फिनिश करना है यानी कि जो लिखना आप एंड करेंगे तो आपने फिनिश और एंड आपने इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से आप एक चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नियम हैं कि आप अपने एल्गोरिथम को किस तरीके से आपने लिखना है। तो एल्गोरिथम क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने पीछे अभी देखा यहाँ पे स्टोरी बुक में से आप एक स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एल्गोरिथम लिखना है, तो आप क्या करेंगे आप, ठीक है, फर्स्ट आपने क्या करा, स्टार्ट, ठीक है, पहला सीरियल नंबर आपने लिखा क्योंकि सीरियल नंबर भी आपने लिखने हैं, स्टार्ट किया आपने, फिर आपने दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, गेट द बुक, आपने एक किताब निकाली, थर्ड में आपने क्या करा, किताब को खोला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लिख भी रहे हैं साथ में, ठीक है, आपने लिखना भी एल्गोरिथम को आपने सिंपल लैंग्वेज में, आपने बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसको बहुत सिंपल में आप लैंग्वेज में आपने उसको डिस्क्राइब करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। थर्ड में आपने ओपन द बुक किया, फोर्थ में आपने क्या करा, रीड द स्टोरी, आपने किताब पढ़ी, एंड फिफ्थ में आपने क्या करा, क्लोज द बुक, आपने किताब को बंद कर दिया, और लास्ट में आपका जब कंप्लीट हो चुका है आपका प्रोसेस तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, उस एंड। तो सिक्स सीरियल नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, एंड। तो ये हमने पहले भी इसको पढ़ा है एक बार, तो इसको आप दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। सो थैंक यू क्लास।